और ये जनाब रोस्टेड लैम, ओए होए स्टीम हो चुका है, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त सी लो खाई है। अब इसको हम रोस्ट करेंगे ओवन के अंदर, ये पूरा गल चुका है। इसमें फोक है ना वो डाल के देखो, इसमें छुरी या ऐसे फोक से देखो। अब चेक करेंगे स्पून, यार नहीं गल गई, गल गई, गल गई, गल गई, गल गई है, गल गया, गल गया, ये थोड़ा सा जरा सा, ये जो सबसे गल गया, ये वाला पार। हाँ हाँ फोक से देखो, ये देखें ये गल चुका है, रोज सारे स्टार्ट करके निकल रहा है, फैट भी रखा था हमने। थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा और कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रह गया, 70-80% हो गया है, मेरा इसको और करना चाहिए। अभी डंपलिंग की बारी आ गई है, डंपलिंग हम कुक कर रहे हैं। इसकी स्पेशलिटी ये कि देखें हल्के ऑयल में, ऑयल डाला ना ये, ये हल्के ऑयल में डालें ताकि इसको क्रिस्पी हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी होते हैं ये, हल्का का पानी भी यूज़ करेंगे हम इसमें। और ये हमारी रेशमी कबाब रेडी है बिल्कुल। डंपलिंग रेडी हो गए हैं, और बाकी जो फेप डंपलिंग यहाँ पर रेडी हो गई है, बहुत सारे बन रहे हैं, और वहाँ पर रेशमी कबाब तैयार हो रही है। और यहाँ पर रोस्ट भाईजान, रोस्ट जो गोश्त है वो रोस्ट हो गया है, जैसे होता है ये ज़बरदस्त कर लो। हड्डियाँ देखें पूरी गल गई हैं इसकी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ईद के दिन की पहले दिन की जो है ना हमारे डिनर रेडी हो गए हैं, और रेडी डिनर में हमने कुछ डिशेस इस तरह बनाई हैं जो हमने अपनी अपनी ओन फैमिलीज के लिए, तीन मेन डिशेस हैं जिसमें सबसे मेन जो डिश है हमारी रोस्टेड लैम मंदी राइस विद मंदी राइस। और ये जो स्टाइल है ना वो जो अरबिक स्टाइल के बना हुआ है, जो कि लेबनीज़ और टर्किश लोग जो इस डिश को तैयार करते हैं। और ये है डम्पलिंग, डम्पलिंग्स बहुत ही ज़बरदस्त सी डम्पलिंग्स रेडी विद चिल्ली गार्लिक सॉस के साथ, और ये चिल्ली ऑयल के साथ इसको हम सर्व करेंगे खाएंगे। और है ये है चिकन रेशमी कबाब जो कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लजीज बनी हुई है। तो ये है ईद के दिन का मेन्यू फर्स्ट डे का, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी सारी डिशेज बनी हुई है, अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। तो अब ये डम्पलिंग हमने अपने पास ले ली हैं और इसको टेस्ट करेंगे, इसको नाइफ से करना चाहिए लेकिन हमारे पास ये स्पून है इससे कट हो रहा है, तो ये हम वापस कट हो गया, ये डम्पलिंग्स आ गई हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चिल्ली ऑयल के साथ, चिल्ली ऑयल के साथ भी टिप करें, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं,
इसको डिप करेंगे यहाँ पर चिली ऑयल के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। इस पहले में हमने रमज़ान में बनाई थी तो बहुत ही आला थी, और अभी भी वैसी की वैसी बहुत ही ज़बरदस्त है। आई लाइक इट वेरी मच। ठीक है, थोड़ी सी ये कि इसमें ऑयल और कुछ चीज़ें यूज़ नहीं हुई हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी है। अब हम टेस्ट करेंगे रेशमी कबाब। रेशमी कबाब को टेस्ट करने का हम इसको नॉर्मली लोग जो ना पराठे के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही टेस्ट करते हैं इसको। डाइट कॉन्शियस लोग अपने बस एयर फ्राई में बना भी सकते हैं इसको, हम इसका ऐसे ही टेस्ट करते हैं। हम इसको चिल्ली जो सॉस है इसमें भी डिप कर सकते हैं ताकि हमारा टेस्ट और अच्छा हो जाए। ये हम गार्लिक है ना, गार्लिक मायो मायनीज है वो लगा कर ये हम टेस्ट करेंगे। तो ये हम डाल दिए हमने गार्लिक मायो, ये ख़त्म हो गया, बिल्कुल एंड चल रहा है इसका, नहीं ख़त्म हो गया। माजत खाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बाद हम टेस्ट करेंगे रोस्टेड लैम्ब विद राइस। अभी अभी टर्न आएंगे लैम्ब की, लैम्ब विद रोज राइस। तो हम इसको लैम्ब को कट करेंगे। ये हमारा दस्ती का पीस है, बिल्कुल सॉफ्टली गल चुका है। छुरी की जरूरत नहीं है, ये पीस हमने निकाल लिया थोड़ा सा, और मजीद यहाँ से मीट पर डालेंगे। देखें मीट कितना गल चुका है, पूरा यहाँ से लेकिन यहाँ पर गल चुका है पूरा भैसे। तो ये हमने इसको मीट ले लिया, अब हम थोड़ा सा मीट लेकर टेस्ट करेंगे। नाइफ हमने रख दी अपने नाइफ और कागज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अक्सर लोग चिली सॉस भी ऐड करते हैं, लेकिन हम ऐसे ही खाएंगे। मैं नॉर्मली चावल और पुलाव में कोई चीज़ ऐड नहीं करता ताकि प्योर डिश का जायका महसूस कर सकूं। बहुत अच्छी बनी है, ऐसा लग रहा है कि वो कोई बाहर फाइव स्टार रेस्टोरेंट की बन गई है। जला दी आप भी ले लो। बहुत ही सुधायक है, फैट भी है इसमें।